देखिए इनके पास ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये क्या इक्वेशन है इसका जवाब किसी को नहीं मालूम। तरह तरह की बातें होती हैं, उसको अगर एक बार पार्क भी कर दें, इन्होंने ये चुना है कि यूपी चुनाव में शोर बहुत मचाओ, ऑप्टिक्स का पूरा खेल होना चाहिए। नहीं तो भाई हम हारने वाली पार्टी हैं इसलिए लड़े नहीं, ये तो हो नहीं सकता। अपनी पार्टी को यूपी में रिवाइव करने के लिए ब्लॉक लेवल के दफ्तरों पर ताले लगे पड़े हैं जो सालों साल से, उसको खोलने के लिए इनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इसमें कम से कम बड़ा दांव खेलें। अब देखिए कम से कम चर्चा में तो आ गए, वरना ये चर्चा से भी गायब थे। हो सकता है इसका थोड़ा फ़ायदा इनको मिल जाए और ये कहें कि देखिए हमने अपना जनाधार रिवाइव कर लिया है। 5-7% 8% का वोट शेयर अगर ये लेकर के आ जाते हैं तो कहेंगे कि हमने ठीक ही ठाक कर लिया, लोकसभा में ये बड़ा काम आएगा क्योंकि ये चुनाव तो मुख्यमंत्री के लिए था। तो गुलाम नबी आज़ाद, शीला दीक्षित, राज बब्बर और अब पावर्ड बाय सोनिया गांधी रोड शो, ये एक नॉइज़ के लिए, मीडिया में जगह बनाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हमको भी मज़ा आएगा, हम लगातार कवर करेंगे। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी क्या सीरियसली इक्वेशन को बदल पाएगी? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। बीजेपी भी क्या इस इक्वेशन को बहुत मेजरली बदल पाएगी? इसमें भी मुझे शक है। बीजेपी की लड़ाई, आप उनके लोगों से बात करिए, आप पर्यवेक्षकों से बात करिए, तो वो ये कहते हैं कि तीसरे नंबर की पार्टी है, दूसरे नंबर की पार्टी बनने की कोशिश कर रही है, पूरा जोर लगा रही है इस चुनाव में। जिसको मैंने कहा कि वीडियो के तौर पर, ऑप्टिक्स के तौर पर जो देखना चाहिए और मज़ा लेना चाहिए वो यही कि जो मोदी मेथड है इलेक्शनियरिंग का, कैंपेन का, स्ट्रेटजी का, स्लोगन का, अब की बार मोदी सरकार जिस तरह से था उसी प्रकार से अभी ये लेके आए हैं 27 साल यूपी बिहार। तो चूंकि मोदी स्कूल से निकल करके आए हैं, प्रशांत किशोर कुछ सीख करके आए हैं, तो ये उसका रिप्लिकेट कैसा करते हैं, और किसी भी प्लेयर को करना चाहिए बाजार में, उसको देखने का खेल होगा।